सिंगू बॉर्डर पर सरकार के बजट के बाद जब किसानों से बात की गई तो किसानों ने सबसे पहले तो इसी बात पर ऐतराज जताया कि दमनकारी सरकार द्वारा यहां इंटरनेट बंद किया हुआ है, इसलिए उन्हें बजट की ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी किसानों ने कहा कि उन्होंने फोन कॉल के माध्यम से अपने जानकारों से बजट के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि सरकार ने किसानों को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया है। साथ ही महिला किसानों ने कहा कि सरकार ने महंगाई को और ज्यादा बढ़ाया है। महिलाओं ने कहा कि उन्हें पहले ही आशा थी कि सरकार महंगाई को और बढ़ाएगी, खाने पीने की चीज़ों को और महंगा करेगी, क्योंकि उन्हें भी दिल्ली के चारों तरफ चलते हुए लंगर दिखाई दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के उत्ते इस वेले नैटवर्क नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हें नैटवर्क मोदी सरकार ने बंद किया होया है। तो असी किसी को पता कर कि जोड़ा अज उन्होंने बजट पेश किया है, वो बजट के ना तो कुछ किसाना किसान वास्ते आ, ना ही किसी होर आम जनता वास्ते है। ज्यों दी मोदी सरकार बनी आ, मैं 5 साल तो पिछे भी देखता आया, सिर्फ उन्हें अपने कुर्ता पजामा पाउण ते जोर दिता, ते अपनी ड्रैस पाउण दे उत्ते जोर दिता, ते दूजा अपने टूर प्रोग्राम करन दे जोर दिता। बजट बारे ते तुहानू सवेरे ही दस्सिया सी कि कुछ नहीं होना, ते उही होया। वैसे ते सानू ज़्यादा पता नहीं हैगा, पर चलो जिन्ना कि तुसी दस्सिया है कि कुछ भी नहीं ठेंगा। तो उन्हें परसों जिस दिन वो मीटिंग हुई सी, पहले दिन राष्ट्रपति ने दिता सी है ना भाषण, उस दिन ही उन्हें दस दिता सी कि करोना रहा है तो साढ़े कोल कुछ है ही नहीं। तो वो बस उस दिन ही हिंट मिल गया सी कि इन्हें कुछ नहीं देना किसी नूं, ना ही दिता तो ना ही देगा, क्योंकि ये घटिया नेता आ, तो ये कुछ नहीं कर सकता साढ़े वास्ते। बजट जैसे कि हमें पता ही चल रहा है, क्योंकि नेट वगैरह तो चल नहीं रहा, जहाँ हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा एक्चुअली हुआ क्या है। बट हुआ वही होगा जो हम सुबह बता रहे थे आप लोगों को, कि मतलब निराशाजनक रहा होगा, हमें उम्मीद ही नहीं थी। वो तो सोच रहे हैं कि सोई का सामान सस्ता नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ इतने सारे किसानों को खाना मिल रहा है, वो चाहते होंगे कि और महंगाई बढ़ा देते हैं तो जो ये लंगर चल रहे हैं। पर ये लंगर गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ है, कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी महंगा कर दो आप लोग। आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार कितनी ही महंगाई कर ले, लेकिन गुरु नानक साहब के लंगर कम नहीं होंगे, ना ही वे भूखे मरेंगे और लंगर लगातार चलते रहेंगे। किसानों ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सभी बजट निराशाजनक ही आते हैं। देश के सब सरकारी चीज़ों को बेचा जा रहा है, कुछ नया नहीं बनाया जा रहा, और भी कई तरह की निराशाजनक बातें इस बजट के बारे में किसानों ने बताई। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।